सर आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर हरि नारायण शाह। सर इस महाविद्यालय में आप क्या हैं? प्राचार्य के पद पर हैं। सर इस महाविद्यालय इस एरिया में डिग्री महाविद्यालय नहीं है और यहाँ एक स्थापना हो रहा है और उस कॉलेज का आप प्राचार्य हैं, तो आप इस कॉलेज के बारे में क्या सोचे आपका? यस, यह सुदूर देहात में है, बॉर्डर के किनारे है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ का बच्चा जो पढ़ नहीं पा रहा है और शिक्षित रह जाता है, वो शिक्षा ग्रहण करके उस शिक्षा से वंचित रह जाता है तो उच्च शिक्षा नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है, मैंने विद्यालय महाविद्यालय नहीं रहने के कारण। क्या इसी एरिया में महाविद्यालय है ही नहीं? है ही नहीं, इस विधानसभा में डिग्री महाविद्यालय है ही नहीं, इसलिए हमारा कोशिश है कि यहाँ हो जाए तो यहाँ का जो खास के लड़की जो है सो अनपढ़ रह जाती है और समाज के लिए लड़की और समाज और परिवार के लिए भी लड़की शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इस हैसियत से जो है सो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं जो यहाँ हो जाए तो यहाँ के बच्चे बच्चियाँ भी शिक्षित हो जाए तो समाज का विकास होगा। आज का भविष्य ही बच्चा ही कल का भविष्य है, इसलिए जो है सो आवश्यक है शिक्षा। सर आप स्टार मिथिला 99 से बात करने के लिए धन्यवाद। सर अपना नाम बताइए तो आपका नाम क्या है? श्री फिरोजपुर शाह। सर आप इस महाविद्यालय में सुने हैं कि इस भूमि का दान दाता है, तो आपके मन में कैसे प्रेरणा जगा किसी इस बंजर एरिया में और महाविद्यालय का स्थापना हो और आपने अपना जमीन को दान किए, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बच्चे बच्चियों के लिए रिफ्यूज क्या करती हो? सहायक को है, अपना में गप करे छी। क्या नाम है वो तुम्हारा? सुमन कुमारी। और कहाँ घर है तुम्हारा? तुम यहाँ कहाँ आई हो? यहाँ पर कॉलेज बन रहा है, इसके उत्साह के देखने के लिए इस क्षेत्र में कॉलेज नहीं था, इसलिए यहाँ पर कॉलेज की प्रारंभ में हो रही है, इसलिए हम देखने के लिए आए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा कुमारी। ये इंटीरियर एरिया में जो महाविद्यालय का स्थापना हुआ है, हाँ। और आज यहाँ पर तुम किस लिए आई हो? हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र में हमारे उच्च शिक्षा के लिए ये कॉलेज खुला है। पहले हमें ये सब जो खुला है ना उसकी सुविधा नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मिल रही है, इसी के उत्साह से हम यहाँ पे आए हैं। तुम्हारा क्या एजुकेशन है? अभी हम 12th में हैं, इस बार एग्जाम देंगे तो आगे भी हमें पढ़ना है, तो हम इससे वंचित थे, इसीलिए अभी ये खुलने वाला है तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है।